गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरा नाम है सचिन यादव और मैं आपका मैथ टीचर। आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी की बुक का ये पहला चैप्टर, और जिसकी पहली एक्सरसाइज 1.1 आज हम करने वाले हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर की एक वीडियो आपके लिए मैं पहले बना चुका हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, ठीक है। और आज हम एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको जस्ट ये वीडियो डायरेक्टली देखनी है, पहले आपको वो वीडियो के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, जो फंडामेंटल्स थे इस चैप्टर के इंटीजर्स के उसको आपको समझना है। देन आफ्टर आके आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोल रहा है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेज ऑन अ पर्टिकुलर डे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का ये पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको नंबर लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, और जिसमें से पहला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जो कि बेस्ड है नंबर लाइन पे। बट इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि नंबर लाइन क्या होती है, उस पर कैसे वर्क करते हैं, नंबर्स पॉजिटिव किधर होते हैं, नेगेटिव किधर होते हैं, कौन किससे बड़ा होता है, कौन किससे छोटा, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं नंबर लाइन का स्ट्रक्चर एक बार दिखा देता हूँ। नंबर लाइन कुछ इस तरीके से होती है, इधर पॉजिटिव नंबर्स इनफाइनाइट तक होते हैं और इधर नेगेटिव नंबर्स इनफाइनाइट तक होते हैं। बीचों बीच यहाँ पर एकदम मिडिल पॉइंट पे जीरो होता है, ठीक है। इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, और बढ़ते रहते हैं, और इसके लेफ्ट साइड में जो होते हैं इस तरफ को नेगेटिव नंबर्स होते हैं सेम, और ये भी सेम डिफरेंस पे होते हैं लेकिन ये नेगेटिव होते जाते हैं। और जितना ज़्यादा आप लेफ्ट में जाएंगे वैल्यूज उतनी डाउन होती जाएंगी, जितना ज़्यादा आप राइट साइड में आओगे उतनी वैल्यूज इंक्रीज होती जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन में बोल रहा है फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। अलग अलग जगहों का, अलग अलग राज्यों का, अलग अलग स्टेट्स का टेम्परेचर दिया हुआ है, अलग अलग प्लेसेस का टेम्परेचर दिया हुआ है। आपने करना क्या है कि उस जगह को मार्क करना है और उसका टेम्परेचर आपको यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोल रहा है ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेज मार्क ऑन इट। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर ए की बात करूँ, पार्ट ए की जो इसमें लिखा हुआ है उसकी अगर मैं बात करूँ, आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं स्क्रीन पर, पार्ट ए में बोला है कि ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेज मार्क ऑन इट। जो इस पे टेम्परेचर मेंशन है उसको आप मार्क करो। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली दिया हुआ क्या है, जीरो से -10 की तरफ जा रहा है लशुपति प्रीति करके जो जगह है उसमें 10 है, 10 से दो प्लेसेस पे, जैसे -10 है यहाँ पे, -10 से दो प्लेसेस, इधर -9 आएगा और इधर -8 आएगा, इस जगह पे लशुपति है। तो लशुपति का टेम्परेचर कितना आ जाएगा, -8, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, आप मेंशन कर लेंगे। फिर आपको श्रीनगर का बोल रखा है, श्रीनगर का आपका ऑटोमेटिकली शो कर रखा है कितना है, आप देख सकते हैं एरो से शो किया हुआ था, जीरो के जस्ट दो बाद है, तो -2 कितना होगा, श्रीनगर का होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं शिमला की, शिमला जो है वो आपका 5 पे है, ठीक है, जीरो से राइट साइड में है, आप यहाँ देखें इस जगह पर शिमला है, ठीक है, यहाँ पर शिमला मेंशन किया हुआ, तो शिमला का कितना हो जाएगा, 5 पॉजिटिव का, क्योंकि राइट साइड में है, जीरो से राइट साइड में, तो शिमला आ जाएगा। इसके बाद ऊटी आपका मेंशन किया हुआ है, जस्ट 15 से एक पहले है, तो 15 से लेफ्ट साइड में इधर को आपको पता है कितना होता है, 14 होता है, तो पॉजिटिव का 14 आ जाएगा, किसका, ऊटी का, ठीक है। इस तरीके से आपको सभी के टेम्परेचर फाइंड करने हैं, बेंगलुरु का आप खुद फाइंड करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, बी पार्ट की, बोला व्हाट इज द टेम्परेचर इन डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। इसमें जो टेम्परेचर गिवन है, इसमें जो सबसे हॉटेस्ट प्लेस है और जो सबसे कूलेस्ट ठंडा प्लेस है उनके बीच में डिफरेंस कितने का है, आप ये बताइए। तो बेसिकली आप अगर ध्यान से देखें तो जो टेम्परेचर सबसे हॉटेस्ट है, हॉटेस्ट तब होता है जब पॉजिटिव होता है, जब गर्म होता है एनवायरनमेंट। तो हॉटेस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है आपका बेंगलुरु, जिसका 25 है, ठीक है। हॉटेस्ट कौन सा है, बेंगलुरु, जिसका कितना है, 25 है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कूलेस्ट का, सबसे ठंडे का, तो वो है आपका माइनस में जो लशुपति है, जिसका कितना, -8 है, लशुपति है शायद, लाहुल स्पीति है, उसका कितना है, -8 है, ठीक है। इसका 25 है और इसका कितना है, -8 है। तो अब आप बताएंगे दोनों के बीच का डिफरेंस, करना कुछ नहीं है, 25 है उसमें से आपको माइनस करना है, ठीक है, कितना माइनस करना है, -8, मतलब घटाना है बेसिकली, डिफरेंस आपको फाइंड करना है। तो डिफरेंस फाइंड करने का मतलब ये है कि इनके बीच में कितने का अंतर है, यानी माइनस कर लो बेसिकली 8 को, ठीक है, माइनस में नहीं करना है, माइनस करना है 8 को, तो डिफरेंस इनमें कितने का आ जाएगा, 17 का, तो 17 का डिफरेंस है बेसिकली, ये आपका आंसर हो जाएगा फॉर द बी पार्ट, ठीक है। ए पार्ट मैंने आपको करा दिया था, सी पार्ट बोला व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लशुपति एंड श्रीनगर, लशुपति और श्रीनगर में कितने का टेम्परेचर है, डिफरेंस है, ठीक है, लशुपति और श्रीनगर में कितने का डिफरेंस है, कितने टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो लशुपति का आप टेम्परेचर देखेंगे, अभी आपके सामने मैंने आपको बताया थ्री पार्ट के लिए -8 है लशुपति का, ठीक है, और श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, 2 है।
तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, आप प्लस करके भी कर सकते हैं। डिफरेंस में देखे वो बेसिकली आप, मैं बताऊँ, प्लस माइनस नहीं करना है आपने, यहाँ पे प्लस माइनस नहीं करना है आपने, बस नंबर लाइन पे इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है और उसके अकॉर्डिंग मूव करना है। मैं बताता हूँ सही तरीका करने का, आप एक नंबर लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर अगर स्पेस नहीं है तो इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। आप देखिए मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, आप इस तरीके से इसको क्या करो, एक ऐसे लाइन लेके ऐसे नंबर लाइन में ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब आप छोटे छोटे डिफरेंसेस ले लो। लक्ष्यपति आप देखो यहाँ पे माइनस एट पे है, ठीक है। इसके बाद माइनस सेवन होगा, माइनस सिक्स होगा, ठीक है, माइनस फाइव, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू और माइनस वन, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा आपको यहाँ पे जीरो, यहाँ पे वन और यहाँ पे टू। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो लक्ष्यपति है वो इस जगह पे है, माइनस एट पे है, ठीक है। यहाँ पे आपका लक्ष्यपति है, लक्ष्यपति है, ठीक है। और जो आपका दूसरा दे रखा है टेम्परेचर श्रीनगर का, वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है टू, वो भी माइनस का, क्योंकि जीरो से इस तरफ पे है। तो यहाँ पर दे रखा है आपका श्रीनगर। तो आपने करना कुछ नहीं है, आपने इन दोनों के बीच का डिफरेंस काउंट करने के लिए बस मूव करना है। आप देखिए डिफरेंस कितना चाहिए, यहाँ से इधर काउंट कर लीजिए या इधर से इधर कर लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ठीक है। तो आपको डिफरेंस कितना लिखना है यहाँ पे इस तरीके से नंबर लाइन पर काउंट करके, कि डिफरेंस लक्ष्यपति और इसके बीच का डिफरेंस कितना है, सिक्स, सिक्स डिग्री का डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है, सिक्स डिग्री का डिफरेंस है। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज द टेम्परेचर बिटवीन लक्ष्यपति एंड श्रीनगर। इतना होने के बाद कैन बी सी पार्ट था नहीं, हाँ, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लक्ष्यपति एंड श्रीनगर। इसका डी पार्ट बोला है, कैन बी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। क्या हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है श्रीनगर और शिमला का मिला के, तो श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर कितना, आप देखेंगे ध्यान से, श्रीनगर का टेम्परेचर है माइनस टू, ठीक है, और शिमला का टेम्परेचर कितना है, वो है फाइव। तो इन दोनों का टेम्परेचर टुगेदर लेना है यानी प्लस करना है, ठीक है। वो किससे होगा, इसका कितना आ जाएगा, माइनस थ्री, है ना, डिफरेंस यही तो आ जाएगा माइनस थ्री का प्लस करके। और लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, मतलब कैन वी से दैट टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, ले लिया श्रीनगर शिमला का, श्रीनगर का कितना था माइनस टू और शिमला का कितना था फाइव डिग्री सेल्सियस, इन दोनों का टेम्परेचर टुगेदर लिया माइनस थ्री हो गया। और बोल रहा है उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, शिमला का टेम्परेचर कितना है फाइव है, तो क्या बोल रहा है कि ये इससे लेस है, बिल्कुल लेस है, ठीक है, बिल्कुल लेस है जी, क्योंकि यहाँ पर थ्री आ रहा है और यहाँ पर शिमला का अकेले का कितना आ रहा है, फाइव डिग्री आ रहा है। आ रही बात समझ में आपने, तो इस तरीके से आपने नोट करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अभी मैं एक ही क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा आप भी कि हम बाकी क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे आप, सेकंड बोला इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इफ जैक स्कोर इन फाइव सक्सेसिव राउंड वर्ड 25, माइनस 5, 10, 15 एंड 10, व्हाट आर द हिज टोटल एट द एंड। देखो मैंने आपको बताया था कभी भी किसी पॉजिटिव में से अगर नेगेटिव नंबर को डिफरेंस करते हैं माइनस करते हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर कभी भी किसी पॉजिटिव नंबर में से नेगेटिव नंबर का डिफरेंस निकालते हैं हम, तो करना कुछ नहीं होता, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा के बड़े वाले का निशान आता है। कहने का मतलब है अगर 25 पॉजिटिव है, ठीक है, और उसमें से हम माइनस कर रहे हैं 7, तो बड़े वाले का साइन क्या है, प्लस है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, ठीक है। कैसे घटाना है, 25 में से 7 जाएगा तो 18 आएगा, और बड़े वाले का निशान मतलब पॉजिटिव का निशान, तो पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है। यही अगर आप पॉजिटिव होता, माइनस का होता, ठीक है, और ये पॉजिटिव का होता, तो फिर चेंज हो जाता है पूरा गेम। 25 में से 7 अभी भी माइनस होगा, अभी भी 25 में से 5 माइनस होगा, ठीक है, बड़े वाले में से छोटा वाला घटेगा, लेकिन बड़े वाले का निशान, बड़े वाले का निशान मतलब माइनस का 18 आएगा, ठीक है, आएगा अभी भी इनका डिफरेंस ही, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े वाले का यानी माइनस। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा के बड़े वाले का निशान, ये आपको रट लेना है, समझ लेना है, ठीक है। बिगर का साइन आता है हमेशा। तो इसी बेसिस पे आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपका बोला है पांच अलग अलग पेपर्स में स्कोर किया उसने 25, ठीक है, प्लस 5, लेकिन हम माइनस में है तो माइनस में डालेंगे, कोई इशू नहीं है, इसका हमें टोटल करना, तो ऑब्वियसली बात है प्लस करना पड़ेगा, जो माइनस में उसको माइनस में लो, माइनस 10 स्कोर किया उसने, फिर उसने 15 स्कोर किया है, ठीक है, फिर उसके बाद उसने स्कोर किया है 10, तो 15 और 10 को आप डायरेक्टली लिख सकते हो क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है, ये नंबर्स हैं। अब इसमें बोल रहे हैं कि
टोटल बताओ कि कितना उसने ओवरऑल स्कोर किया। तो देखो तो ये तो 25 हो जाएगा, ये माइनस 5 हो जाएगा, ये माइनस 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है ना यहाँ पे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके, प्लस में 15 और प्लस में 10। तो करना कुछ नहीं है, ये जो है ये दोनों इसमें से माइनस हो जाएंगे। कैसे? माइनस माइनस आप प्लस कर सकते हो, ठीक है। किसी दो को ले लो, पहले इसको ले लो, चलो ठीक है 25 और 5 को ले लो। 25 में से 5 जाएगा तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा के बड़े वाले का निशान यानी 20 बचेगा, ठीक है, वो भी पॉजिटिव। फिर माइनस 10 ले लो आप, प्लस में 15, प्लस में 10, ठीक है। तो अब फिर से बड़े वाले में से छोटे वाले को इसको घटा लो, ठीक है, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, आप समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। 20 में से 10 जाएगा अगर, तो यहाँ लिख लो, लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है, आपको शो नहीं होगा। तो 20 में से 10 जाएगा कितना आएगा 10, ठीक है आएगा, और प्लस में 15, प्लस में 10, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 15 25, प्लस में 10 35, ठीक है जी। 35 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो टोटल उसने 35 स्कोर किया आउट ऑफ 5 पेपर्स सबका मिला के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन आप देख लीजिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन तो नहीं करा पाऊंगा मैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपने करना क्या है कि आपने कुछ कुछ क्वेश्चन खुद भी ट्राई करने हैं। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज माइनस 5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे इसी का, एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन बोला ऑन एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज माइनस 5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाई 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूजडे। माइनस 5 डिग्री सेल्सियस कब है उसका टेम्परेचर? ऑन मंडे, ठीक है। एंड ड्रॉप्ड हो गया, ड्रॉप्ड हो गया मतलब डाउन चला गया, नीचे आ गया। तो नीचे आ गया तो और नीचे आने का मतलब और डाउन चला गया, मतलब माइनस में और चला गया होगा। तो माइनस में और जाने का मतलब और डाउन कर दो उसको, ठीक है। देन इट ड्रॉप्ड ऑन बाय 2 डिग्री सेल्सियस ट्यूजडे। तो 2 डिग्री इसमें माइनस करने का मतलब है कि माइनस 2 और कर दो, ठीक है। माइनस 2 इसमें और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा टोटल का? माइनस 7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा अभी तक, ठीक है, ट्यूजडे तक। इसके बाद व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूजडे, ठीक है। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था? माइनस 5 था मंडे को, ठीक है। माइनस 5 से क्या हुआ, माइनस 5 से क्या हुआ बताइए? ट्यूजडे को 2 डिग्री और डाउन चला गया था, ठीक है, 2 डिग्री और डाउन चला गया था। तो 2 डिग्री और डाउन का मतलब है कि 2 डिग्री आप माइनस करेंगे, डाउन का मतलब माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस किया तो माइनस 7 डिग्री सेल्सियस हो गया ट्यूजडे को। तो बोल रहे हैं व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूजडे? माइनस 7 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। तो रोज हो गया मतलब बढ़ गया, तो 7 डिग्री सेल्सियस तो था ही ट्यूजडे को, और 4 डिग्री बढ़ गया प्लस 4 डिग्री ऐड कर दो इसमें, तो 7 में से 4 जाएगा। मैंने आपको बताया बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा के बड़े वाले का निशान, तो माइनस 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। माइनस 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। 4 डिग्री अगर बढ़ जाता है, ठीक है, वेडनेसडे को, तो इतना हो जाएगा। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दैट डे, ठीक है, उस दिन क्या टेम्परेचर होगा? तो वेडनेसडे को बेसिकली इसका टेम्परेचर होगा माइनस 3 डिग्री सेल्सियस। इसको आप नोट कर लीजिए, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। इसके बाद करते हैं फोर्थ, इसी तरीके से है, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन को रीड कीजिए, तब तक मैं आपको कराता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, एक प्लेन जो फ्लाई कर रहा है एट ए हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल, एट द पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? उनके बीच में वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा? तो बहुत ईजी है, ध्यान से देखिए। सी लेवल मान लीजिए आप ग्राउंड लेवल है, ठीक है, जीरो लेवल है, यहाँ पे जीरो है, जैसे नंबर लाइन पे जीरो होता है ना, तो इसी नंबर लाइन को आप इस तरीके से वर्टिकली मान लीजिए, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, जैसे नंबर लाइन यहाँ होता था माइनस इन्फिनिटी, यहाँ प्लस का, तो जो माइनस है उसको नेगेटिव में मान लो आप और पॉजिटिव ऊपर मान लो आप। अब बोल रहा है कि फ्लाइंग कर रहा था 5000 मीटर अबव द सी लेवल, मान लीजिए 5000 मीटर यहाँ पे था, सी लेवल से अबव था, 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा था ये प्लेन। बोल रहा है एट द पर्टिकुलर पॉइंट इट डायरेक्टली अबव द सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, और जो सबमरीन थी वो 1200 नीचे मीटर नीचे थी, किससे? सी लेवल से, इससे नीचे थी, बिलो 1200 मीटर। तो बोल रहा है कि फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, भाई ऑब्वियसली बात है इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप घटा दो, जी जीरो से 5000 ऊपर है तो 5000 इधर से प्लस होगा, ठीक है, और इधर का भी डिफरेंस 1200 है, तो दोनों डिफरेंस को जोड़ना है ना बेसिकली। हम जैसे मूव करते थे ना नंबर लाइन पे 1200 से इस तरीके से, फिर इस तरीके से ऐसे करके मूव करते, तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करना है। तो करना हमें बेसिकली ये है कि इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करने के लिए इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड इसलिए करेंगे, समझने की कोशिश करो, मैं बताता हूँ क्यों ऐड करेंगे। देखो जैसे
अगर हमें नंबर लाइन पे यहाँ पे 0 होता था और यहाँ पे 5 होता था, मान लो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, फिर 2, फिर 1, इस तरीके से होता था, फिर यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे। तो मान लो अगर हमें इस पोजीशन का डिफरेंस फाइंड करना था, इस पोजीशन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे डिफरेंस टोटल काउंट करते ना, टोटल काउंट करते थे इनके बीच में कितने गैप थे। उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी करना है कि ये जीरो लेवल है, यहाँ से जीरो लेवल से 5000 है इसका, मान लो मतलब जीरो है यहाँ पे, जीरो लेवल यहाँ पे 5000 है, तो 5000 तो ये डिफरेंस हो ही गया, और प्लस में इसमें ऐड कर दो ये 1200 का जो डिफरेंस ये इधर है सी लेवल से नीचे जो बेलो है, तो इस टोटल का डिफरेंस कितना है, तो 5000 प्लस में 1200, ठीक है, 5000 प्लस में 1200, तो ये आ जाएगा आपका 1200 ऐड करते ही कितना आ जाएगा, 200 यहाँ पे आ जाएगा 6200 आ जाएगा, ठीक है, 6200 का डिफरेंस है। ये हो जाएगा आपका फिफ्थ क्वेश्चन, 6200 मीटर का डिफरेंस। इसके बाद आप देखेंगे सिक्स के बाद, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका, फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे आप। फिफ्थ क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि मोहन ने डिपॉजिट किए हैं, ठीक है, मोहन ने डिपॉजिट किए हैं 2000 रुपीज इन अ बैंक अकाउंट एंड विदड्रॉ रुपीज 1642 फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे इफ विदड्रॉ ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर। अगर 2000 रुपये क्या किया जाए, बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर लिया जाए, 2000 रुपये डिपॉजिट किया और 1642 रुपये निकाल लिया उसने, 1642 रुपीज निकाल लिया उसने नेक्स्ट डे, ठीक है। इफ वी विड्रॉ ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव इंटीजर द हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। पहली बात तो बोल रहा है अगर हम पैसा बैंक में डाल रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इसको आप पॉजिटिव से शो कर रहे हो, मतलब सॉरी अगर पैसा निकाल रहे हो आप, निकाल के लेके आ रहे हो, तो इसको नेगेटिव से शो कर रहे हैं, तो जो डिपॉजिट कर रहे हो उसको कैसे शो करोगे भाई, पॉजिटिव से शो करेंगे। क्योंकि देखो ना, आप समझने की कोशिश करो, पैसा अगर अकाउंट में जा रहा है तो हमारा अपना अमाउंट बढ़ रहा है, हम प्लस में हैं, लेकिन अगर पैसा निकाला जा रहा है तो हम नेगेटिव हैं, माइनस में जा रहे हैं, आ रही बात समझ में। तो इसलिए यहाँ पे ऐड करते ही पॉजिटिव और वैसे निकालते ही नेगेटिव आ जाएगा। तो बोल रहा है कि आप निकालने को अगर नेगेटिव से शो कर रहे हो, तो डालने को यानी कि डिपॉजिट करने को किस तरीके से शो करोगे, ठीक है, पॉजिटिव से शो करेंगे। फाइंड द बैलेंस ऑफ मोहन अकाउंट आफ्टर विड्रॉल, विड्रॉल के बाद बताओ आप कि कैसे होगा। तो देखो जी, डालने को 2000 रुपीज़ डाला इसने, ये था पॉजिटिव, ठीक है, और नेगेटिव में अगर हम बात करेंगे, ये 2000 पॉजिटिव था, तो नेगेटिव में अगर हम बात करेंगे 1642 उसमें से माइनस कर दो, जो आएगा वो डिफरेंस इसका बेसिकली आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 में से गया 3, और बस यहाँ पे 0 रहेगा, तो 368 रुपीज़ उसके अकाउंट में बैलेंस बचेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इतने रुपीज़ उसके अकाउंट में बच जाएंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अगेन सभी क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बाकी क्वेश्चन खुद ट्राई करेंगे, नहीं तो इसके लिए फिर मैं एक नई वीडियो भी लेके आऊँगा, आपको एक एक क्वेश्चन कराने की अगर जरूरत है तो मैं वो भी कराऊंगा, आप फीडबैक में मुझे बता सकते हैं। आई थिंक सिक्स आप ट्राई कर लेंगे, सेवन क्वेश्चन आप देख लीजिए, ठीक है, सिक्स आप ट्राई कर लेंगे, आप सेवन देख लीजिए। सेवन बोला इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक वेदर द फॉलोइंग इज मैजिक स्क्वायर और नॉट। देखो इस तरीके से एक बॉक्स दिया हुआ है आपको, ठीक है, इसमें तीन आपके इस तरीके से रो और कॉलम्स है, आई थिंक एक आप और ले लो, चलो इस तरीके से ले लो, ऐसा बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से आपका बना हुआ है। अब आपका फर्स्ट वाले में कितना है, 5, फिर -5, फिर आपका 0, ठीक है, फिर आपका -1 है, फिर आपका -2 है, ठीक है, फिर आपका 3 है, ठीक है, फिर आपका -4 है, फिर आपका 7 है, और लास्ट है आपका -3। अरे बस समझ में, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैजिक स्क्वायर, इसमें से कौन सा आपका मैजिक स्क्वायर है, तो मैजिक स्क्वायर में सम जो होगा वो इक्वल होगा। देखो यहाँ पर 5 है और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 5 -1 और -4 आपको पता है 0 आ जाएगा, क्यों, 5 में से -1 जाएगा, माइनस प्लस का 4 बचेगा इन दोनों को सॉल्व करके, और फिर -4 जाएगा तो फिर 0। इसी तरीके से अगर आप नीचे हो तो 5 -5 यहाँ पर भी 0 आएगा, है ना, यहाँ पर -1 2 और 3, तो -1 और -2 कितना हो जाएगा -3, और यहाँ पर भी प्लस का 3 तो ये भी 0, मतलब इस रो का तो 0 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, 0 आ जाएगा, ये वाले की अगर हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, इधर से अगर प्लस करते हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, ये वाला भी, यही आपको चेक करना है, -5 -2 कितना हो जाएगा -7 और प्लस में 7 तो कितना हो जाएगा अगेन, ये भी 0 हो जाएगा। तो मतलब एक तरीके से मैजिक स्क्वायर, अगर हर तरफ से हर एंगल से, चाहे आप इस तरीके से प्लस करें, चाहे आप इस तरीके से प्लस करें, चाहे आप डायगोनल वाइज प्लस करें, चाहे आप इस डायगोनल वाइज प्लस करें, हर तरीके से आपका 0 आना चाहिए, एक ही आंसर आना चाहिए, ठीक है,
चेक इफ द फॉलोइंग इज द मैजिक स्क्वायर इन ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। सम जो है वो सेम होना चाहिए, सम यानी जो प्लस करने पे, अब यहाँ पे हर बार जीरो आ रहा है तो अगर सबका जीरो आ रहा है तो ये मैजिक स्क्वायर है, नहीं तो नहीं है। तो इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट ट्राई कर सकते हैं, पार्ट ए मैंने आपको बता दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्रैक्टिस कर लेंगे, फिलहाल मैं चाहूँगा कि बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।